देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी। देवानंद के लिए किशोर कुमार गाते थे, दोनों का साथ बड़ा पुराना था। संगीतकार एसडी बर्मन भी किशोर कुमार को पसंद करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद रफी बन गए देवानंद की आवाज? मोहम्मद रफी ने कैसे की अपनी किलेबंदी, बताएंगे आपको बस थोड़ी देर में। आप कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफी की और उनके उस गाने की जिसके बाद मोहम्मद रफी देवानंद की आवाज बन गए थे। तो आइए चलते हैं वक्त के उस मोड़ पर और देखते हैं कि तब हुआ क्या था। दोस्तों, सभी जानते हैं कि किशोर कुमार और देवानंद का रिश्ता बड़ा पुराना था। देवानंद ने बतौर हीरो अपनी शुरुआत की थी फिल्म जिद्दी से 1948 में। इस फिल्म में किशोर कुमार ने गाने गाए थे। बतौर गायक जिद्दी किशोर कुमार की भी पहली फिल्म थी। मतलब ये कि किशोर कुमार और देवानंद ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत एक साथ की, एक ने बतौर गायक और दूसरे ने बतौर नायक। 1948 से 1957 के बीच देवानंद के लिए किशोर कुमार ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। एसडी बर्मन को तो किशोर कुमार से विशेष लगाव था। 1957 में एक फिल्म आई, नाम था 9-2-11। फिल्म थी देवानंद के नवकेतन फिल्म्स की। हीरो और प्रोड्यूसर थे देवानंद। देवानंद के साथ थीं कल्पना कार्तिक, शशिकला, ललिता पवार और जीवन। फिल्म लिखी और डायरेक्ट की थी देवानंद के भाई विजय आनंद यानी कि गोल्डी ने। बतौर डायरेक्टर विजय आनंद की ये पहली फिल्म थी। फिल्म में संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। हम राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। देवानंद के लिए इस गाने को गाया था किशोर कुमार ने। उस जमाने में ये गाना तब चारों तरफ धूम मचा रहा था, क्योंकि ये गाना था जवानी का, बेफिक्री का। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। इस गाने को इसी फिल्म का एक और गाना बराबर का टक्कर दे रहा था। आंचल में क्या जी, इस गाने में किशोर कुमार के साथ थीं आशा भोसले। पहले गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने गाने में सुनहरा बादल लिखा था, लेकिन गोल्डी ने इसे रुपहला करवा दिया था, क्योंकि गाना रात को गाया गया था। रुपहला बादल। दोस्तों, 50 के दशक में देवानंद के लिए किशोर कुमार का ये आखिरी गाना साबित हुआ। आखिरी इसलिए क्योंकि इसके बाद किशोर कुमार अपने काम और वैवाहिक झमेले में इस कदर व्यस्त हो गए थे कि उनके पास किसी और के लिए गाने का टाइम ही नहीं बचा। वक्त के इस दौर में किशोर कुमार या तो अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे होते, अपनी फिल्मों के गाने कंपोज कर रहे होते या उन्हें गा रहे होते। और अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे होते तो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहे होते, जो आखिर बची नहीं, क्योंकि 1958 में उनकी अपनी पत्नी रूमा गुहा ठाकुराता यानी कि रूमा घोष से तालाक हो गया। इस फिल्म यानी कि 9-2-11 के दौरान वो इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई और गाना गाने से इनकार कर दिया। फिर सीन में आए मोहम्मद रफी। 9-2-11 में पहली बार मोहम्मद रफी ने एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में देवानंद के लिए गाना गाया। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ थीं आशा भोसले। दोस्तों, मोहम्मद रफी पहली बार एसडी बर्मन की नजरों तले देवानंद के लिए गाना गा रहे थे। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो देवानंद के लिए किशोर कुमार की जगह गा रहे हैं,
लिहाजा उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखते हुए अपनी आवाज में कुछ इस तरह का परिवर्तन किया कि लोगों को, खासकर एसडी बर्मन को, किशोर कुमार की कमी न खले। गली के रूप में चली वो धूप में कहा। इस फिल्म का एक और गाना गाते वक्त भी उन्होंने ऐसा ही किया। ओ आजा पंछी अकेला है। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ थी आशा भोसले। दोस्तों, फिल्म 9 दे 11 के बाद किशोर कुमार और मसरूफ हो गए और एसडी बर्मन की फिल्मों में देवानंद के लिए गाने की जिम्मेदारी मिल गई मोहम्मद रफी को। लोगों ने कहा कि प्यासा में मोहम्मद रफी ने जिस तरह से गाना गाया था, उसके बाद तो वैसे भी संगीतकार एसडी बर्मन के लिए मोहम्मद रफी से गवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जानकारों का कहना है कि उस दौर में देवानंद अमूमन उदास और अनमने हीरो का रोल करते थे और ऐसे में उनके लिए हेमंत कुमार और तलत महमूद की आवाज ज्यादा सूट करती थी और फिर किशोर कुमार तो थे ही। जानकारों का मानना है कि 9 दे 11 में मोहम्मद रफी ने जिस तरह से गाया, उसके बाद मोहम्मद रफी को एसडी बर्मन पहले से ज्यादा पसंद करने लगे और रही सही कसर निकाल दी फिल्म काला पानी के लिए मोहम्मद रफी के गाए इस गाने ने। हम पे खुदी में तुम को पुकारे। मोहम्मद रफी ने जिस तरह से इस गाने को गाया, उसके बाद तो एसडी बर्मन ने देवानंद के लिए मोहम्मद रफी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। चल गए सागर में। दोस्तों, फिल्म काला पानी के इस गाने का बंगाली में ओरिजिनल वर्जन भी था जिसके बोल थे घूम भूले ची निझूम। और मजेदार बात यह है कि इस गाने को गाया था खुद एसडी बर्मन ने। अब एसडी बर्मन के हिंदी वर्जन को मोहम्मद रफी गा रहे थे और ऐसे गा रहे थे कि एसडी बर्मन गदगद हो गए। मोहम्मद रफी की कोमल मखमली आवाज सुनकर तो लोगों को जैसे चक्कर आ गया। चले गए हम। काला पानी के बाद मोहम्मद रफी जैसे देवानंद की पहचान बन गए। अब देवानंद ने भी अपनी छवि एक रोमांटिक हीरो की बना ली थी जो अपनी महबूबा के प्यार में पागल रहता है। ये गाने हैं फिल्म काला बाजार की जो आई थी 1960 में। दोस्तों, 1960 में ही देवानंद की एक और फिल्म आई थी बम्बई का बाबू। इसमें भी देवानंद के लिए मोहम्मद रफी ने बेहद खूबसूरत गाने गाए। साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल दीवाना मस्ताना बम्बई का बाबू के बाद देवानंद की एक और फिल्म आई तेरे घर के सामने 1963 में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया था उनके भाई विजय आनंद ने। इस फिल्म में देवानंद के साथ थी खूबसूरत नूतन। संगीतकार एसडी बर्मन लगातार देवानंद की नवकेतन फिल्म्स को अपनी सेवाएं दिए जा रहे थे। इस फिल्म में भी एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने देवानंद के लिए बेहद दिलकश और रोमांटिक गाने गाए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तू कहां ये बता इस नशीली रात में। 50 के दशक के शुरुआती सालों में फिल्मों में उदास खिन्न हीरो की भूमिकाएं निभाने वाले देवानंद अब नायिकाओं के दिलों को बहला रहे थे, उन्हें रिझा रहे थे। 1965 में एसडी बर्मन की एक फिल्म आई थी तीन देवियां। इसमें देवानंद के साथ थीं सिमी ग्रेवाल, नंदा और कल्पना मोहन। इस फिल्म में देवानंद के लिए मोहम्मद रफी ने दो बेहद खूबसूरत गाने गाए थे। ऐसे तो ना देखो के हमको नशा कहीं बेख्याल हो। दोस्तों, तीन देवियां के तुरंत बाद 1965 में ही आ गई थी देवानंद की गाइड, देवानंद के जीवन की सबसे बड़ी फिल्म गाइड। दिन ढल जाए है, रात न जाए।
गाइड में देवानंद के लिए मोहम्मद रफी ने जैसे गाया, उससे ये साबित हो गया कि मोहम्मद रफी की आवाज देवानंद के लिए क्या मायने रखती है। इस फिल्म में एसडी बर्मन ने देवानंद के लिए गाना किशोर कुमार से भी गवाया, लेकिन आखिर में बाजी मोहम्मद रफी ने ही मारी। दुनिया ने गाइड मोहम्मद रफी के नाम कर दी। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो।